Namaskara. I found this really cool animation of, it's about Chhatrapati Shivaji Maharaj. Yes, I said it right in one try. A Maharashtrian king from the 17th century. I don't know much more about him other than that, but I do know that a lot of people in India admire him as one of India's greatest kings of all time. So, really eager to find out more. Oh, I forgot to mention really quick, I also just started a second YouTube channel that's all about how to grow on YouTube and Instagram. So if you've been trying to grow your own channel, that's a good place to go to get some information. It's brand new, so there's not a lot there, but yeah, go follow. The link is going to be in the description below. नमस्कार, मैं राजा भारत की आत्मा हूँ। मुझसे ही आपके देश का नाम पड़ा भारत। मैंने इतिहास की बहुत सारी घटनाएं अपने अंतःकरण में समाए रखी हैं। ये आपको अपने गौरवशाली इतिहास और तुम्हारे शूरवीरों के साहसिक कार्यों से अवगत कराएंगी। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं एक अनोखे वीर पुत्र की, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। सन 1627 ईस्वी Isn't this so cool? में भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां, तो बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकोंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। डेक्कन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम अफसरों को ही प्राथमिकता देते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और थल मार्ग पर मुगलों का अधिकार। इसलिए उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से मुसलमान अधिकारियों को ला पाना मुमकिन नहीं था और डेक्कन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष था, शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन था। सन 1630 में महाराष्ट्र में जुन्नर के समीप शिवनेरी के किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाय के नाम पर पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुए। शिवाजी के पिता काफी समय घर से दूर रहे थे, इसलिए बचपन में उनकी देखरेख माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव ने की। दादोजी ने उन्हें युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाया, तो जीजा माता ने हिंदू धार्मिक कथाएं। जब दादोजी का सन 1647 में निधन हुआ, तब उनका ये मानना था कि शिवाजी अपने पिता की ही तरह आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाने के लिए इन तीन परिस्थितियों का पूरा होना जरूरी था। एक, कि वो शक्तिशाली साम्राज्यों के केंद्र से दूर हों, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो और जंगलों से घिरा हुआ हो, ताकि छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर करा जा सके। ये परिस्थितियां 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसानों मावली के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को भली भांति ज्ञात था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्व है, इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाही अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ना, चाकन एवं कोंडना किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने आबाजी सोमदेव की मदद से थाना, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए शिवाजी ने अगले 7 बरस तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने ये समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसके घुड़सवार नेताजी पलकर ने संभाल रखी थी और पैदल सेना यशाजी कनक ने। अब तक शिवाजी के पास 40 किले भी आ चुके थे।
Okay, so I had a lot of reading to do there, but what I got from this was that Chhatrapati grew up to be a very intelligent and ambitious leader. And I really appreciate what the narrator said about Destiny having plans other than for Chhatrapati to become a general in the army. Of course, he ended up becoming a king, right? So that's just a really amazing way to tell a story. And sometimes people's lives are beyond our wildest imagination, right? Of course, some say that this is in our control, and I happen to agree with that, but to you, it might not be. But when you do hear a story about someone exceeding, or I guess exceeding expectations of others and really achieving their destiny, it's always inspiring, so. शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने शिवाजी, का नॉट हुक्म दिया। छत्रपति. अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को खुले युद्ध करने के लिए उकसाने के लक्ष्य से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह नागरिकों का कत्ल कर डाला। लेकिन शिवाजी ने चतुराई और रण कौशल का परिचय देते हुए छापा मार पद्धति से युद्ध चालू रखा। इस समय वो प्रतापगढ़ किले में रहे, जो कि चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। वाह, अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रची। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। जब वो मिले, अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ में शिवाजी शिवाजी न्यू को बेटर. दबाकर मार डालने का प्रयास किया। शिवाजी पहले से तैयार थे। अपने छुपा कर रखे हुए बाग नाका से उन्होंने अफजल खान का पेट ही चीर डाला, जो कि उनसे 2 गुना विशालकाय था। इसके वाह, बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान की सेना को करारी मात दी। वाह, शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया। अब की बार रुस्तन जमान को भेजा गया। 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी ने रुस्तम जमान की सेना पर सामने से हमला बोल दिया। साथ ही उनकी सेना की 2 और टुकड़ियों ने दोनों दिशाओं से रुस्तम की फौज पर आक्रमण कर दिया। रुस्तम जमान शर्मिंदा जनक स्थिति में Wow, लड़ाई oh के my मैदान gosh. से अपनी जान बचाकर भाग गया। सन How did they not know 1660 में better? आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जौहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। शिवाजी पन्हाला किले में थे और सिद्दी जौहर की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी ने सिद्दी जौहर को मिलने का न्योता दिया और जब वो मिले, आदिल शाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्दी जौहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह This और guy's सिद्दी जौहर के बीच crazy. लड़ाई छिड़ गई, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी एक रात अपने 5,000 सिपाहियों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकल आए। बाजी प्रभु देश पांडे ने न सिर्फ सिपाहियों के साथ दुश्मन सेना को उलझाया था, Wow. जिसकी वजह से शिवाजी सकुशल विशालगढ़ पहुंच गए। इस लड़ाई में बाजी प्रभु देश पांडे को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। उनको महाराष्ट्र के Oh, इतिहास that's में एक awesome. महान योद्धा माना जाता है। He's like इसके Katappa. बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती करी। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने भेजा। शाइस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के बल पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल पे अपना बसेरा डाल दिया। शिवाजी ने चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ Oh my gosh, शादी they के use a बाद wedding किले के through पेश that में पुणे में प्रवेश कर लिया। That is रात so के smart. समय उन्होंने सीधे शाइस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोला। खान ने खाकी से कूदकर अपनी जान बचा ली, पर शिवाजी की तलवार की वार से अपनी 3 उंगलियां गंवा बैठा। उंगली तो गई और He cut इज्जत three of भी। his fingers फिर off. शिवाजी ने सन 1664 में मुगल व्यवसायी केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर डाला। औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जय सिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। Wow. इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उन्हें अपने 23 किले और 4 लाख की मुद्रा हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। उन्हें अपने 9 वर्ष Oh, के wow. पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए
पहले ये तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने उसको बदलकर शिवाजी को घर में कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के आशीर्वाद के लिए साधु संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो खुद श्रमिक के भेष में सामान के डब्बे में संभाजी को छुपाकर बाहर निकला। वो मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकोंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयां लड़ते हुए 4 महीनों के भीतर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। सन 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया शिवाजी को अपने अधीन करने का, लेकिन वो बुरी तरह से असफल हुआ। उसने अपने उत्तम योद्धाओं जैसे दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी से लड़ने भेजा, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही सन 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत की स्थिति में चला गया। आखिर वो दिन आया जब गगा भट्ट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्सवनुमा वातावरण में हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी, यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत अंगरक्षकों में कुछ मुसलमान भी थे। उन्होंने कभी किसी भी नारी का निरादर नहीं किया। यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। गुरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और नवसेना का निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी ने ही करा। उन्होंने 4 किलों तथा 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी। उनकी मृत्यु के समय तक ये गिनती 300 किलो एवं 1,00,000 सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तेज बुखार और पेचिस के चलते 5 अप्रैल 1680 को 52 साल की छोटी सी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले उनके पुत्र संभाजी ने और उसके बाद छत्रपति राजा राम ने मराठा शासन की बागडोर संभाली। औरंगजेब को करीब 25 सालों तक मराठाओं के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी मृत्यु के समय तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज्य की नींव रखी, वो आगे चलकर कर्नाटक से लेकर अटॉक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी जैसे मनुष्य कभी मरते नहीं, लेकिन लोगों के हृदय में अपने महान कार्यों, साहस और बलिदानों की वजह से हमेशा अमर रहते हैं। That was awesome. That was really, really interesting. Please leave a comment below if you liked this video or if you didn't like it, but hopefully you did, you know. I really enjoyed it. And if you could tell me about how Shivaji has maybe inspired you or if you learned something, that would be really cool too. He really does seem like a great example of a balanced leader. I so appreciate hearing stories about, historic leaders and also modern leaders who don't discriminate against others' religions, who treat men and women equally, who are both peaceful and strategic, right? Because you have to protect your people. Before I sign off, I just want to give a big thank you to my patrons, Akash, Arjun, Anishim, Priyan, and Dirash. Thank you so much. I really appreciate your support, each and every one of you. If you're interested in becoming a patron, you can sign up via the link below. I will see you next time. Jai Hind.